हाय फ्रेंड्स, खाना खजाना किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चूरमे के लड्डू की रेसिपी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसे आज हम लेफ्ट ओवर रोटी से बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हम लेफ्ट ओवर रोटी बचती है तो उसे फेंक देते हैं, तो आज उसी से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 8 रोटी लिया है, मेरे लेफ्ट ओवर रोटी है। इसे मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं छोटा छोटा पीस कर लूँगी इसका। देखिए मैंने सारे पीस कर लिए छोटे छोटे। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और अपनी सारी रोटियों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये पाउडर फॉर्म में आ गया है, हल्का सा दरदरा है। आगे का प्रोसेस करेंगे। कढ़ाई मैंने गैस पर रख दिया है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर अपने रोटी के पाउडर को डालेंगे। ये हमने जो पाउडर तैयार किया था इसमें डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे इसमें एक अच्छा सा टेस्ट और सौंधी सी खुशबू आने लगेगी कि इससे भुनने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है ये। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है, डालना चाहें तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए, भून चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ इसको। फिर से सेम कढ़ाई रखेंगे और इसमें फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। 1/2 कप गुड़ लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चम्मच पानी डालना है और इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है। फ्रेंड्स, इसका हमें कोई पाक वगैरह नहीं बनाना है, बस इसे हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट हो जाएगा तो बस। तो देखिए मेल्ट हो गया है, इसमें एक अच्छी सी फेस आ रही है। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पाउडर को डाल देंगे इसमें। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अच्छे से इसे सब तरफ से लेकर मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से रेसिपी बनाइए, आप लोग की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ बर्तन में। इसे हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है वरना गरम गरम में हमारे हाथ जो है जल सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से इसका एक लड्डू बनाकर तैयार कर दी हूँ। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इसका एक लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी लड्डू है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए, देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, बहुत ही हेल्दी है। देखिए मैं आपको एक तोड़कर इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। इसके टेक्सचर से आप लोग को पता चल रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आने तो आप तक फटाफट से पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।